सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। रोज सुबह उठते ही बोले ये सात नाम, बुरे से बुरा समय भी हो जाएगा समाप्त। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमेट्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आप सभी भरपूर मेहनत करते हैं और मेहनत का कई बार अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है, और परिणाम जब नहीं मिलता है तो हम चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि मेहनत तो हमने अथाह की थी और उसका सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिल पाया। ऐसे ही कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं लेकिन उनको पढ़ाई में सफलता बराबर नहीं मिल पाती है, मेहनत का सही सही आकलन नहीं हो पाता है। काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें धन लाभ भी नहीं हो पाता है। इसकी वजह होती है कुंडली के दोष भी हो सकते हैं, साथ ही जाने अनजाने में किए गए इस जन्म के या पूर्व जन्मों के पाप कर्मों की वजह से भी भगवान की कृपा हमें नहीं मिल पाती है, और हमें असफलता का, गरीबी का, दरिद्रता का और रोगों का सामना करना पड़ता है। यहां हम आपको कुछ ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं जो बुरे से बुरा समय भी आपका समाप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में, महाभारत में, गरुड़ पुराण में और कई ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है कि रोज सुबह इन सात ऋषियों यानी सप्त ऋषियों के नामों का स्मरण करने मात्र से सभी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। यहां हम सात ऋषियों के नाम बता रहे हैं और इनकी विशेषताएं भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इन सात नामों को बता दें जिनको आपको प्रतिदिन उच्चारण करना है, और उसके बाद हम इन सप्त ऋषियों के बारे में आपको बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम आपको इन सप्त ऋषियों के नामों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इन नामों का उच्चारण यदि आपने प्रातः काल के समय कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपका बुरा समय समाप्त हो जाएगा। इन सात नामों को इस प्रकार आपको प्रतिदिन बोलना है। पहले ऋषि है गौतम, दूसरे भारद्वाज, तीसरे विश्वामित्र, चौथे जमदग्नि और पांचवे वशिष्ठ, छठे कश्यप और सातवें अत्रि ऋषि। इस प्रकार इन सप्त ऋषियों के नामों का उच्चारण आपको प्रत्येक दिन करना है। गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, इन सात ऋषियों के बारे में संक्षिप्त में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ऋषि हुए हैं महर्षि गौतम। गौतम ने त्रेता युग को द्वापर युग से पहले बुलवा लिया था। अहिल्या को गौतम ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया था, चूंकि उनके संसर्ग में इंद्र आ चुके थे इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी ही पत्नी अहिल्या को पत्थर का होने का श्राप दे दिया था। तब अहिल्या ने उनसे पूछा था कि स्वामी मेरी मुक्ति का क्या उपाय है, अर्थात मैं इस पाषाण से कैसे निजात पा सकती हूँ। तब महर्षि गौतम ने कहा था कि भगवान श्री राम आएंगे और उनके चरणों का स्पर्श होते ही आप जो है पुनः सुंदर नारी के रूप में बन जाओगी। क्योंकि भगवान श्री राम को जब आना था तब उनका जो युग था वह बाद में आने वाला था, अर्थात द्वापर युग के बाद त्रेता युग का क्रम आना था, लेकिन महर्षि गौतम ने एक युग को ही बदल दिया और द्वापर युग के पहले ही त्रेता युग को बुलवा लिया, जिसमें भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है और उनकी पत्नी अहिल्या के संसर्ग में स्पर्श होने से मात्र से जो है उनकी मुक्ति हो गई और पुनः वो जो है एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। दूसरे ऋषि है भारद्वाज। भारद्वाज विमान शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने कई शोध परक जो है कार्य किए हैं। आज जितने भी विमान हम देखते हैं या फिर वायुयान देखते हैं वो सारी की सारी खोज जो है महर्षि भारद्वाज के द्वारा की गई थी। महर्षि भारद्वाज विमान शास्त्र के ज्ञाता थे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए उन्होंने वायुयान की खोज की थी।
और उनके वायुयान ऐसे थे जो अदृश्य हो जाया करते थे। यह खोज केवल हमारे भारतीय मनीषी ऋषि आचार्य भारद्वाज के द्वारा ही की गई थी। तीसरे ऋषि है विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया था। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र। और चौथे ऋषि है महर्षि जमदग्नि। भृगु वंश के आचार्य जमदग्नि भारतीय इतिहास में एक ऐसे ऋषि रहे हैं जिनको सप्त ऋषियों में शामिल किया गया है, क्योंकि महाज्ञानी ऋषि थे और इन्होंने सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी अपनी पत्नी रेणुका का सर भगवान परशुराम से कटवा दिया था, क्योंकि एक बार ये यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के लिए जल भरने के लिए इनकी पत्नी रेणुका जलाशय पर जाती है। चूंकि यज्ञ में विलंब हो रहा था और जलाशय पर एक रमणीक दृश्य को देखने के लिए इनकी पत्नी रेणुका वहां पर रुक जाती है। इन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक रमणीक दृश्य देखने के कारण मेरे यज्ञ में जो है विलंब हो रहा है। तुरंत अपने पुत्रों को आदेश दे दिया कि जाओ अपनी माता रेणुका का सर काट करके लाओ। उनके पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपनी माता का सर काट दिया, लेकिन उनके पिता इतने दिव्य थे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से पुनः अपनी पत्नी रेणुका का सिर जो है वापिस वैसा का वैसा ही जुड़वा दिया था। इसके बाद जो ऋषि का क्रम आता है वो आता है वशिष्ठ का। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे और इनके गुरु कुल में ही जो है सभी चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा हुई थी। इनका जन्म ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति के माध्यम से हुआ था। इसके बाद छठे ऋषि आते हैं कश्यप। महर्षि कश्यप का श्रीमद् भागवत महाभारत आदि बड़े बड़े ग्रंथों में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। महर्षि कश्यप की जो पत्नी थी वो दिति थी, अदिति थी, इस प्रकार कुल इनकी 12 पत्नियां थी और इनके नाम से ही कश्यप गोत्र की उत्पत्ति हुई है। कश्यप ऋषि के कई पुत्र देवता बन गए और कई पुत्र इनके दानव भी बन गए थे। तो महर्षि कश्यप ऐसे विलक्षण ऋषि थे। इसके बाद सातवें ऋषि के रूप में आते हैं अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि जो कि सती अनुसुईया के पति थे। सती अनुसुईया इनकी दिव्य पत्नी थी और एक बार भगवान श्री राम और सीता जी वनवास के समय अत्रि ऋषि के आश्रम में भी कुछ समय के लिए रुके थे। अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी सती अनुसुईया, उनके सतीत्व का प्रताप तीनों लोकों में विख्यात हो गया था। तो ब्रह्मा विष्णु की और महेश तीनों देवताओं की जो पत्नी थी उनको बड़ा जो है विक्षोभ हुआ, कष्ट हुआ कि हमसे बड़ी भी कोई सती इस लोक में है। तो उन्होंने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को सती जी की अर्थात सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सती अनुसुईया ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में प्रकट कर दिया और बाल्यावस्था में उनको एक पलने में झुलाया गया। इनके तीनों के सम्मिलित स्वरूप को भगवान ने धारण किया और दत्तात्रेय का प्रागट्य सती अनुसुईया के कारण ही हुआ था। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां जाकर के सती अनुसुईया के पास जाती है और अपने पतियों को पुनः वापस लेकर आती है। ऐसे इन सप्त ऋषियों का जो कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल उठते से ही नामों का उच्चारण करता है उसके सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं, उसके अनेकों जन्म के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय अवश्य ही होता है। इस प्रकार आप प्रतिदिन सप्त ऋषियों के नामों का उच्चारण जरूर करें ताकि आपकी सारी पीड़ा, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी गरीबी और सभी प्रकार के जो है आपकी बुराइयां नष्ट हो जाए और आपके जीवन में लगातार सफलता ही सफलता मिलती जाए। मित्रों, आप सभी के लिए एक सूचना है कि हमारे जो भी नए नए वीडियो अपलोड होते हैं कई बार YouTube की वजह से उनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को प्रतिदिन देखें। हमारे द्वारा नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियों के वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, उन सब वीडियो को आप अवश्य देखें और उनको सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।